पूरे लोग भी इधर ही आए हैं, अभी चल रहे हैं अपन एग्जिट गेट। तो ये है ताजमहल का फ्रंट व्यू और पब्लिक तो आप देख ही सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप भी ठीक होंगे और मैं आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ आगरा में और आज मैं देखने जा रहा हूँ आगरा का ताजमहल, तो आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। कैसा वीडियो होता है वो भी वहाँ चल के देखेंगे, कैसा धमाल होता है कैसा नहीं। और आप मेरे पीछे लोकेशन देख सकते हो, आगरा चौपाटी लिख रखा है। और हम जो एंटर करने वाले हैं वो ताजमहल का पूर्व गेट से एंटर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो भाई साहब साइकिल लगा दिए पार्क में, अभी जा रहे हैं अंदर महल देखने के लिए। और यहाँ की पब्लिक की बात करें तो बाप रे इतनी पब्लिक, बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, बहुत ज़्यादा। अभी आपको अंदर लेके चल रहे हैं। दोस्तों आप जो ये छोटी मिनी बस देख रहे हो, इसका चार्ज 20 रुपये रखा गया है। आप जहाँ पार्किंग करते हो उस जगह से और यहाँ एंट्री गेट तक आपको 20 रुपये देने होंगे। और हमारे जो राइट साइड में इधर टिकट घर है और इधर से टिकट लेके जो लेफ्ट साइड है इधर से एंट्री चेकिंग करवा के अभी अंदर जाने की, अंदर जाएंगे और टिकट घर आपको देख लिया होगा, ये एंट्री गेट है। यहाँ देखो एंट्री गेट के अंदर लाइन से जाना पड़ता है और आज इतनी पब्लिक आई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लगभग 30 से 40 हज़ार लोग आए हैं ताजमहल को देखने के लिए। वो इस वजह से क्योंकि कल बंद था और आज नेक्स्ट डे जब खुला है तो सारी पब्लिक एक साथ आ गई है। इसका टिकट का प्राइस 50 रुपये है नॉर्मल, बाकी और महंगे महंगे हैं टिकट। और ये है इसका एंट्री गेट जहां आपको टिकट चेक करवा के अंदर आएंगे। और इधर है ताजमहल का फ्रंट गेट जो कि बिल्कुल ताजमहल के पास में आप जाएंगे वो गेट ये वाला है। और अभी इधर देखिए आप पब्लिक का भोकाल भाई बहुत ज़्यादा है, आज मेरा तो सर चकरा गया पब्लिक देखते हुए। और अपन जो अब राइट साइड में देखने वाले हैं, इधर गेट के सामने पार्क बनाया गया है, बहुत सुंदर पार्क है, अच्छा देखने लायक जगह है। और ताजमहल के बारे में आपको क्या बताएं, आप सब लोग जानते हो ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा है। और जो आप ये गेट देख रहे हो इसके पीछे आपको हम जूम करके दिखाते हैं, देखिए ये जो आप ये सफ़ेद गेट के अंदर देख रहे हो ये है ताजमहल। तो अभी आप हमको आपको अंदर लेके चलते हैं और ये इधर का गेट का नज़ारा है, तो अभी चलिए अपन चलते हैं अंदर। तो भाई साहब पहुंच गए हैं 7 अजूबे पे, 7 अजूबों में से एक अजूबा आप देख सकते हो अच्छी तरह से। और भाई मेरे को तो यहाँ पे पब्लिक देख देख के चक्कर आ रहा है, ये देख इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक है कि बाप बता नहीं सकता आपको, मैं तो इनको ही देख रहा हूँ। और ये इधर देखिए आप भाई साहब, और वो इधर देखिए विदेश से। और ये भाई बताएं तो काफ़ी देर से मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये लाल जो पत्थर का बना हुआ है ये तो दिख रहा है अच्छे से। और मैं जैसे ही ऐसे बैक में करता हूँ तो मेरे पीछे ताजमहल है लेकिन दिख नहीं रहा है। और जैसे मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ तो दिख जाएगा, ये अचूबा हो रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कैमरे से बराबर दिख रहा है। और लेकिन सेल्फी कैमरे से चलाते हैं तो नहीं दिख रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भी दिख रहा हो तो मेरे को बताइएगा कमेंट करके। अभी अपन चल रहे हैं अंदर, अंदर से दिखाएंगे आपको नज़ारा कैसा कैसा होता है। और आप सबको तो पता ही होगा कि ये 7 अजूबे में से एक अजूबा है और नाम ताजमहल है, सब कुछ पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ।
शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसको बनवाया था। और यहाँ में देखो भाई पब्लिक ही पब्लिक है, अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी पब्लिक आके आ चुके हैं। यमुना नदी जो है इधर ताजमहल के पास उसके किनारे पे, और ये देखिए मेरे पीछे ये ताजमहल की बिल्डिंग बनी हुई है, और इधर है यमुना रिवर नदी, और आपको इधर से दिखाऊँ तो ये ऐसे दिखेगा ही नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या नहीं दिख रहा है, कितनी ज़्यादा है कितनी है, क्योंकि ये इसलिए है कि कल ताजमहल बंद था इस कारण से। और ये इधर नज़ारा देखिए, इधर से कुछ ऐसा व्यू आता है इसका। और अभी अपन चलेंगे इस साइड, इधर से भी देखेंगे क्या नज़ारा होता है क्या नहीं, आप वीडियो में बने रहो। और पब्लिक का भौंकाल तो आप देख सकते हो कि कितनी पब्लिक है। तो चलते हैं अपन उधर चलेंगे, फिर उधर चल के आपको और दिखाएंगे नज़ारा। तो दोस्तों ताजमहल जो जिस प्रकार से बना हुआ है वो तो आपको सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, वो आप देख लेना आपकी नज़र में है या नहीं है। आप ताजमहल को जिस भी एंगल से देखोगे, क्योंकि चारों तरफ से बना हुआ है, जिस एंगल से देखोगे आपको एक सेम सा दिखेगा, बस इसका फ्रंट गेट इस बात से डिसाइड होता है कि आगे वो झरने वगैरह बना रखे हैं, उससे पता चलता है कि हाँ भैया इसका ये फ्रंट है। बाकी आप किसी भी साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इसका फ्रंट है। पब्लिक भोकाल ही भोकाल, पब्लिक ही पब्लिक है। और ये देखो इधर से भी आप देखोगे तो वही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए इधर गार्डन बना रखा है, ये ऐसे इस प्रकार से है, आप देख सकते हो अच्छे से। और ये देखिए नज़ारा, तो ये है ताजमहल का फ्रंट व्यू, और पब्लिक तो आप देख ही सकते हो भाई साहब, से ऐसा नज़ारा है। और भाई साहब ये इधर ऐसे है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये नज़ारा इधर से, अभी हमको चल रहे हैं बाहर की तरफ, फाइनली वापस से उसी जगह पे आ गए हैं जिससे वापस गए थे। अभी ये इसका एंट्री गेट है, और इधर से अभी बाहर जा रहे हैं हम, एग्जिट गेट इधर है इसका, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए ये एग्जिट गेट इधर है, अभी हम चल रहे हैं बाहर, और आपको एक बार मैं फिर से थोड़ा नज़ारा दिखाऊं। तो ये देखो ये साउथ अफ्रीकन लोग आए हैं, ये देखिए। और देखो ये इधर भी खड़े हैं कुछ लोग, देखो ये लोग जा रहे हैं अभी इधर अंदर देखने के लिए। और ये है अपना ताजमहल, पूरे लोग भी इधर ही आए हैं, अभी चल रहे हैं अपन एग्जिट गेट से। वो देखो आगे भी गोरे चल रहे हैं, विजिट करने के बाद ताजमहल को अच्छे से देखने के बाद, और पब्लिक को देखने के बाद, और फॉरेन वालों को देखने के बाद, अभी आ गए हम हमारी साइकिल पे, देखो ये हमारी साइकिल खड़ी। और यहाँ से अभी निकलेंगे हम मथुरा के लिए।